नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार और मैं हूं पंकज भट्ट। जिस तरीके की स्थितियां जो है बिहार प्रदेश में चुनाव को लेकर के धीरे धीरे सभी पार्टियां, कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो कि चुनाव को लेकर के गंभीर होती नहीं दिख रही। यहां तक कि जो कल तक सामाजिक संगठन था वो भी राजनीतिक रूप लेता हुआ नजर आया है। ये बिहार प्रदेश का चुनाव, विधानसभा का चुनाव किस करवट बैठेगा, किसके साथ होगी सुशासन की लड़ाई, कौन जीतेगा सिंहासन, तमाम सवाल इस चुनाव में छुपे हुए हैं। बेगूसराय के मटिहानी विधानसभा वैसे ही गर्म हो चुका है, लेकिन मटिहानी से जो खबरें आ रही हैं वहां के जो वर्तमान विधायक हैं नरेंद्र सिंह उर्व बोगो सिंह, उनसे भी हमारी बात हुई थी, हमने आपको दिखाया भी था। जन वितरण प्रणाली को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के उन्होंने हल्ला बोल मचा रखा है, लेकिन उसी सीट से जहां से वो लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं उसी सीट से बॉलीवुड के अभिनेता फूल सिंह ने भी घोषणा किया है कि हम भी चुनाव लड़ेंगे। हमारे साथ इस समय लाइन पे जुड़े हुए हैं फूल सिंह। फूल सिंह जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार पंकज जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आपने तो घोषणा करके मटिहानी विधानसभा में एक वातावरण को लगभग सुलगा ही दिया है, चुनावी बिगुल फूंक ही दिया है, लेकिन एक बात नहीं समझ में आती है आपके संबंध में। क्या? कि जब आप आर्टिस्ट हैं और वहाँ बॉलीवुड में ऑलरेडी मुंबई में आप हर स्तर पे बहुत अच्छे तरीके से जिंदगी आपकी गुजर बसर हो रही है, फिर राजनीति क्यों? देखिए पंकज जी, मैं तो एक्टिंग के अलावा समाज सेवा भी करता हूँ, जो लोगों ने देखा भी है सोशल मीडिया के माध्यम से। वो व्यक्ति जिस जगह पे जन्म यानी कि पैदा लेता है और दसवीं तक जहां तक वो पढ़ता है जिस जगह पे, उस जगह के प्रति उसका एक इमोशनल लगाव सदैव रहता है, भले वो अमेरिका चला जाए, लंदन चला जाए, मुंबई चला जाए, दिल्ली चला जाए। मैं गांव से जरूर निकला लेकिन गांव को हमेशा अपने दिल में बसा के रखा। हमेशा मेरी कोशिश होती थी कि मैं अपने गांव को क्या दे सकूं, अपने क्षेत्र को क्या दे सकूं, क्योंकि मैंने अपने उस गांव की, उस गरीबों की दुर्दशा देखी है। मुझे लगता था कि कुछ अपने माध्यम से अगर मैं कर सकूं अपने गांव के लिए तो मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। फिर मुझे लगा कि नहीं, अगर हम एक संवैधानिक पद पे नहीं रहते हैं तो हम चाह के भी बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर वैसे लोकतंत्र का ये त्योहार दिवाली, ईद, मुहर्रम, महापर्व छठ, ये सब साल में एक बार आता है और ये लोकतंत्र का महापर्व है जो 5 साल में एक बार आता है। तो मैं इस लोकतंत्र के महापर्व में एक प्रत्याशी के रूप में, राजनीति में आने के लिए मुंबई जाने की तो जरूरत नहीं है, उसके लिए आर्टिस्ट बनने की तो जरूरत नहीं है। नहीं, राजनीति में मैं अभी बचपन से आप अपने अभी जस्ट बोला है आपने कि मटिहानी मेरा जन्म स्थान है और मैंने वहां के किसानों की दुर्दशा को काफी करीब से देखा है। बिल्कुल। क्या करना चाहते हैं आप किसानों के लिए? देखिए, मेरा एक सपना है, खासकर इस कोरोना काल में जो मैंने देखा प्रवासी मजदूरों को, जो उनकी दुर्दशा देखी। देखिए, मैं एक संवेदनशील व्यक्ति हूँ, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, तो स्वाभाविक है कलाकार पत्रकार संवेदनाओं से भरा हुआ होता है। मुझे लगा नहीं, यही वो समय है और संजोग से चुनाव भी अभी सामने है। मेरा एक सपना है कि मेरे क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति, देखिए कोई यूपीएससी करता है, कोई आईआईटी करता है, वो कहीं भी जाता है नौकरी करने के लिए, समझ में आता है, लेकिन 10,000-15,000 का पगार पाने के लिए, सिर्फ दाल रोटी खाने के लिए अगर कोई हमारे क्षेत्र का आदमी मुंबई, दिल्ली, गुजरात कहीं भी जाता है, तो इस कोरोना काल में मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अब यही वो समय है कि मुझे गांव की जो दशा और दिशा है हमारे क्षेत्र की, वो बदलनी होगी, और सिर्फ कहने से नहीं होगा, वहां जाके मुझे काम करना होगा। और मैं जब अभी आऊंगा बिहार
जब बेगूसराय आऊंगा अपने क्षेत्र में जाऊंगा तो लोगों को दिखने लगेगा कि मैं चाहता क्या हूं और मैं क्या करना चाहता हूं, ये दिखेगा लोगों को। नहीं, जैसे कि मटिहानी विधानसभा बेगूसराय के, बेगूसराय में 7 विधानसभा हैं और उस 7 विधानसभा में मटिहानी विधानसभा में विकास के बाद, विकास की बात अगर आप करें तो लोग वहाँ संतुष्ट नजर आते हैं भोगो सिंह से। देखिए आपकी जरूरत कैसे होगी वहाँ पे? देखिए कुछ लोग संतुष्ट नजर आते होंगे, हो सकता है मैं भी, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि विकास की जहां तक बात होती है, हमने सर हमारे पास बहुत सारे वीडियोज आए हैं, विकास के बहुत सारे वीडियोज आए हैं, जो समय आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। देखिए कहां कहां विकास हुआ है। देखिए मैं अपने क्षेत्र को अपराध मुक्त चाहता हूं, पहली बात। दूसरी बात, मैं चाहता हूं हमारा जो मटिहानी हो ना, पूरे बिहार के विधानसभा में मैंने एक नारा दिया है, मटिहानी फर्स्ट। और मैं ये करूंगा पंकज जी। और रही चुनाव की बात, तो कभी कभी क्या होता है ना, गलतफहमियों के सिलसिले इतने दिलचस्प हो जाते हैं कि हर ईंट को लगता है ना कि मेरे ही कारण ये बिल्डिंग खड़ी है। तो क्या भाजपा इस बार भाजपा चुनाव लड़ेगी क्या मटिहानी से? देखिए आपको पता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कर्तव्यनिष्ठ सिपाही हूँ, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। आपने मटिहानी का अनाउंसमेंट किया है और आप भारतीय जनता पार्टी के बहुत सक्रिय कार्यकर्ता में से एक हैं और काफ़ी ईमानदारी से आपने भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन जब आप चुनाव लड़ेंगे तो क्या बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ेंगे मटिहानी में? अभी एक बात मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूँ, मुझे कहीं से संदेशा मिला है कि मुझे अपने क्षेत्र में काम करना है, पहली बात। अभी कहीं कोई टिकट बंटवारे की बात नहीं हो रही, इस बात को आप भी जानते हैं। और नहीं, मेरे अंदर नहीं, वास्तविकता यह है कि वहां पे एनडीए का ही ना विंग है जदयू, और जदयू का विधायक है, जदयू का सिटिंग सीट है, तो या तो आपको भाजपा से अलग हट करके आना पड़ेगा। देखिए मैं तो अपने क्षेत्र के जनता के लिए काम करना चाहता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूं। आप इतना बता दीजिए कि आप दल से लड़ेंगे या निर्दलीय लड़ेंगे? ये भी नहीं, ये समय आएगा तो मैं एक विस्फोट करूंगा, बड़ा सुखद विस्फोट होगा, जो लगेगा लोगों को कि अगर ये व्यक्ति कह रहा था तो क्या कह रहा था। उस समय आने दीजिए पंकज जी, मैं जरूर कहूंगा आपको कि उस समय आने दीजिए, मैं एक विस्फोट करूंगा, लोगों को लगेगा कि जो कह रहा था उसने किया। और ये तो इसे भी लोकतंत्र का त्योहार है पंकज, इस बात को आप जानते हैं कि सभी जितने भी लोग जाएंगे सब कहेंगे मैं फलाने पार्टी से आया हूं, मैं कांग्रेस से आया हूं, मैं राजद से आया हूं, मैं इससे आया हूं, मैं उससे आया हूं, लेकिन मैं जो अभी क्षेत्र में जाऊंगा मैं ये कहने जाऊंगा कि मैं लोकतंत्र का उम्मीदवार हूं, मैं जनता का उम्मीदवार हूं। और जिस तरह से पानी में स्नान करते वक्त किसी का, किसी व्यक्ति का पैर घड़ियाल के मुंह में फंस जाता है, वो कड़ाहता है, चिल्लाता है, चीखता है छुटकारा पाने के लिए, तो मैं ऐसा देख रहा हूं कि हमारे क्षेत्र के गरीब जनता वैसे ही घड़ियाल के मुंह में उनका पैर फंसा हुआ है और मैं उस पैर को निकालूंगा। मटिहानी में जी आज घोषणा भी हो गई है कि अब सामहो को बेगूसराय से डायरेक्ट कनेक्शन मिल रहा है, पुल का भी निर्माण हो रहा है जी, इसको आप क्या मानते हैं, चुनावी से गुफा? हम तो देखिए एक ही बात जानते हैं कि जब चुनाव आता है ना तो बहुत सारे वादे लोग करते हैं, इस बात को आप भी जानते हैं। हमारी सरकार ने भी कहा है कि 50 लाख रुपए का जो है सो हम रोजगार देंगे, और मेरा दिल ये मानता है कि चुनावी सिगुफा है। मैं तो बोला ना, हमेशा मैंने समाज सेवा को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एक प्रसाद के रूप में लिया हूँ। मैं हमेशा उनके मार्गों पर चलने की कोशिश करता हूँ कि दरिद्र नारायण की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। एक बात और पंकज जी, कि मैं जो लाइफ स्टाइल जीता हूँ, मैं जहाँ रहता हूँ, एक विधायक को जितनी सुविधा मिलती है, मैं इस बात को जानता हूँ कि उससे कई गुना ज़्यादा सुविधा मुझे आज पूरे देश में भी मिलती है। सिर्फ मैं लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा में बैठ नहीं सकता, बाकी जितना प्यार एक जनप्रतिनिधि को मिलता है उससे कई हजार गुना प्यार मुझे देश में मिलता है कलाकार के रूप में। लेकिन मन में कहा ना, मन में एक व्यथा है हमेशा कि जिस मिट्टी ने जन्म दिया उसका कर्ज चुकाएंगे, और कसम है गंगा मैया की बेटे का फर्ज निभाएंगे। एक मन में कशिश है कि मुझे एक ऐसा क्षेत्र चाहिए अपना मटिहानी विधानसभा
जहां बेगूसराय में जब ट्रेन रुके, दिल्ली से जाए ट्रेन, महाराष्ट्र से जाए ट्रेन, जब बरौनी में ट्रेन उतरे तो वहां का मजदूर, मतलब जो महाराष्ट्र से मजदूर और गुजरात से मजदूर जाए, वो बेगूसराय में उतर के मटिहानी जाने के लिए सवारी खोजे और मटिहानी पहुंचे। और छोटी छोटी मटिहानी की जनता नरेंद्र सिंह को क्यों छोड़ देगी? उस समय आएगा तुम्हें बताऊंगा आपको नहीं, क्यों छोड़ देगी, उनके साथ है। मटिहानी विधायक ने स्पष्ट कहा कि वहां चुनाव में मैं चुनाव नहीं लड़ता हूं, वहां की जनता चुनाव लड़ती है और आप वहां चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो इसका एक ही जवाब है क्या? आपके लिए कौन लड़ेगा चुनाव, जबकि आप खुद को जनता का उम्मीदवार भी बता रहे हैं? मैं आपको बताऊं, अब वहां की जनता जग चुकी है, हमारे भी दिन रात संपर्क में लोग हैं, वहां की जनता जग चुकी है, अब उनको चुप करना बड़ा मुश्किल है। कहने के लिए तो कोई भी कहेगा, कोई भी विधायक कोई कहता है क्या मैं चुनाव हारूंगा? वो मैं भी कहता हूं क्या मैं चुनाव नहीं लड़ा, मैं तो चुनाव लड़ूंगा और मैं ये साबित करूंगा कि वो जो कहते हैं कि जनता चुनाव लड़ती है, तो मेरे साथ भी जनता है, मटिहानी की जनता मेरे लिए चुनाव लड़ेगी, इस लोकतंत्र के उम्मीदवार के लिए मैं मटिहानी की जनता का उम्मीदवार। बिहार प्रदेश में जो स्थिति है ना चुनाव की जी, उसमें धन बल का बहुत जबरदस्त प्रयोग होता है जी, कैसे लड़ेंगे चुनाव आप? अब मैं आपको एक बात बताता हूं, धन और बल, इस लोकतंत्र का इतिहास रहा है कि बहुत ऐसे उम्मीदवार इस देश में आज भी जीतते आए हैं न जिनके पास न धन है न बल है। विजन होना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखिए, जब तक विजन नहीं होगा, धन बल से कहीं अगर कोई चुनाव जीतता तो इस देश का राष्ट्रपति मुकेश अंबानी होता, याद रखिए, धन बल से चुनाव नहीं जीता जाता है, चुनाव जीता जाता है विचारों से, और मैं अपने विचार अपने संस्कार इन तमाम चीजों को लेकर मटिहानी विधानसभा में घूमूंगा, और मुझे आशा नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है, मैंने एक नारा दिया है, ये पेड़ ये पत्ते ये शाखें भी परेशान हो जाए अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए। ये गरीब जो लोग होते हैं ना पंकज जी, न मस्जिद को जानते हैं न शिवालय को जानते हैं, ये भूखे पेट सिर्फ रोटी के निवाले को जानते हैं। कहता है ये फूल सिंह कि मेरे गांव में गंगा बहने दो और लाल हरे में मत बांटो, मेरे दिल में तिरंगा रहने दो, मेरे घर में तिरंगा रहने दो। मैं एक उदाहरण पेश करना चाहता हूं इस लोकतंत्र के महात्योहार में, और मुझे उम्मीद नहीं है अपितु पूर्ण विश्वास है कि मटिहानी की जनता अपने इस बेटे को गले से लगाएगी। फूल सिंह जी, आप हमारी आवाज सुन रहे हैं जी, आप हमें बता दीजिए जी कि किन किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ेंगे? सबसे बड़ा जो मुद्दा मेरी नजर में है ना, जो जो जिसके लिए मैं भी आया था, मैं रोजगार के लिए आया था, ठीक है, मैं कलाकार था, तो आपको पता है कि कलाकारों का मक्का मदीना मुंबई ही कहा जाता है, जहां बॉलीवुड की नगरी है। मैं कला के क्षेत्र में ही अपना रोजगार के लिए यहाँ आया था। हमारा सबसे मुख्य मुद्दा, मटिहानी विधानसभा का कोई भी युवक जो बाहर प्रदेश में काम करने जाता है, जो गरीब काम करने बाहर प्रदेश में जाता है, ये मेरा संकल्प है कि उसके लिए मैं वहीं इतना रोजगार पर, देखिए मैं महाराष्ट्र, आप तो सीने कामगार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी है ना जी, आज तक आपको ये बात समझ में नहीं आई कि हमें इन लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए? नहीं, आप मजदूरों की लड़ाई भी तो महाराष्ट्र में लड़ रहे थे, तब आपको मटिहानी की जनता नहीं समझ में आई? नहीं, जब हमने मजदूरों की लड़ाई लड़ी, जब उनका वो दुर्दशा देखा, महाराष्ट्र के मजदूरों की लड़ाई आप लड़ते हैं जी, और मटिहानी के मजदूरों की लड़ाई कौन लड़ेगा फिर? मैं, इसलिए तो मैं आ रहा हूँ, मैं महाराष्ट्र में लड़ा, गुजरात में लड़ा, और जब लड़ने की बात हुई तो हमेशा लड़ा इन लोगों के लिए कि इनका इनका बेहतर व्यवस्था कैसे हो। तो मैं जब सब जगह लड़ लिया पंकज जी, तो मुझे लगा कि मैं बाहर में जो रोशनी बिखेर रहा हूँ, जहाँ जो मेरी जन्मभूमि है, ये रोशनी मुझे वहाँ भी बिखेरना चाहिए, और मुझे अपने लोगों के लिए जिनके साथ बचपन गुजारा है उनके लिए भी एक लड़ाई लड़नी चाहिए, और ऊपर वाला ने साथ दिया तो मैं सफल भी होऊंगा,
और जो सपने मैंने देखे हैं वो सपने जरूर पूरा करूंगा। मटियानी विधानसभा एक नई पार्टी अस्तित्व में आई है। कौन सी पार्टी? RJJP, राष्ट्रीय जनजन पार्टी जी। ओ आशुतोष कुमार जी उसके मेन मुखिया हैं जी। ब्राह्मण भूमिहार मंच से चला हुआ ये पार्टी अब बन चुकी है जी। ये सामाजिक संगठन थी जो अब पार्टी का रूप धारण कर ली है और संभवतः आप इसके ब्राह्मण भूमिहार एकता मंच फाउंडेशन के रैली में पटना में के गांधी मैदान में शिरकत भी किए थे। आपकी जबरदस्त स्वागत भी हुई थी। आज भी मैं उस संगठन का राष्ट्रीय संरक्षक हूँ। ब्राह्मण भूमिहार एकता मंच का आज भी मैं राष्ट्रीय संरक्षक हूँ जी। क्या लगता है आपको इस पार्टी की इसे कितनी उम्मीदें लगाई जा सकती है? बिहार की जनता किस रूप में देखेगी? देखिए ये बिहार की जनता है, हर कोई परिवर्तन चाहता है। देखिए ये बात हमेशा ध्यान रखिए, मैं बार बार एक बात बोल रहा हूँ कि भले मैं उस पार्टी का हूँ, मैं आज भी कह रहा हूँ मैं BJP का कर्तव्यनिष्ठ सिपाही हूँ, लेकिन इस बात से नहीं मुकरता हूँ मैं कि इस 35-40 साल में जो बिहारियों की दुर्दशा हुई है, न लालू जी के राज में कोई क्या विकास हुआ, सब लोग पलायन किया। नीतीश जी के राज में ये हमारी भले सरकार हो, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जो क्या विकास हुआ है वो बिहार की जनता भी जानती है और बाहर में जो लोग रहते हैं वो भी जानते हैं। कुछ तो विकास हुआ है, शराबबंदी हुआ, बाल विवाह, सड़क, ये सब मुझे बहुत पसंद आया नहीं, लेकिन मुख्य जो काम है वो काम है जो ये पलायन होता है, जो गरीब बिहारी बाहर जाते हैं, कभी महाराष्ट्र में राज ठाकरे गाली देता है, कभी अल्पेश ठाकुर गुजरात में गाली देता है। मैं इन चीज़ों से बहुत ही व्यथित होता हूँ कि क्या मेरे चाणक्य की धरती, मेरे अशोक की धरती, गौतम बुद्ध की धरती के लोगों को बाहर में दो पैसे कमाने के लिए रोटी रोजी के लिए गाली सुनना पड़ेगा। तो उसके लिए तो नीतीश कुमार ऑलरेडी कह ही रहे हैं कि सभी को हम यहीं पे काम देंगे। हम तो इसी में उनका और सहयोग करना चाहते हैं। तो फिर आपकी क्या जरूरत है? नहीं, मैं सहयोग जनप्रतिनिधि बन के मैं तो चाहता हूँ सहयोग करूँ। मैं तो चाहता हूँ गुजरात से, महाराष्ट्र से जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, देखिये मैं चुनाव से पहले आचार संहिता जब लग जाएगा तो कोई भी व्यक्ति को काम करने में तकलीफ होगी। अभी हमारे लिए सबसे बड़ा अभी जिस तरीके से कहा जाता है ना राजनीतिक दलों के लोगों को, जो भी चुनाव लड़ेंगे, जो उम्मीदवारी पेश करेंगे या जो चुनौती बन करके सामने आएंगे किसी भी विधानसभा में जी, उनके लिए अलग अलग तरह के शब्दों का समायोजन किया जा रहा है जी। कभी किसी चीज की उपमा दे दी जाती है तो कभी किसी चीज की उपमा दे दी जाती है उम्मीदवारों को जी। यानी आप लोग कुर्सी के लिए भाषा की मर्यादा को भी नहीं देखते ना? मैं तो ऐसा जीवन में नहीं कर सकता। मैं जीवन में हमारे कभी भी मुखारविंद से अमर्यादित भाषा पंकज जी पूरे जीवन में आपको सुनने को नहीं मिलेगा, कभी नहीं, क्योंकि मैं मटियाने के जिस फैमिली से संबंध है, जिस फैमिली से बिलोंग करता हूं, हमको बहुत सारे सामाजिक संगठन ने पार्टी का रूप ले लिया बिहार में जी। क्या कर लिया उन लोगों ने? देखिए यही तो लोकतंत्र के त्योहार क्या का कर लिया आप बताइए ना। चाहे आप रामविलास पासवान को ले लीजिए, उपेंद्र कुशवाहा को ले लीजिए, स्वयं लालू यादव को ले लीजिए, अगर ये सब लोग सब कुछ किए होते ना तो फूल सिंह जैसे लोगों को सब कुछ छोड़ के क्षेत्र में आने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं एक चैलेंज वाली बात कहता हूँ, राम विलास जी हो, उपेंद्र कुशवाहा जी हो, ये लोग हमेशा जाति की लड़ाई लड़े और मैं जाति की लड़ाई लड़ना नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ विकास। आशुतोष कुमार क्या कर रहे हैं फिर? आप उनके रैली में थे इसीलिए हम आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं। अभी मैं इसका एक बढ़िया आपको उत्तर देता हूँ। आप मुझे ये बताइए, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी जो संविधान के रचयिता थे, आज भी संविधान अगर हमारा ग्रंथ है, इसीलिए फूल सिंह, इसीलिए आज भी उनका समाज सूप और दौरी बनाता है, इसीलिए आज भी उनका समाज सुअरों के बीच जिंदगी गुजारता है, इसीलिए आज भी उनका समाज अंबेडकर जी की का चर्चा तो कोई राजनीतिक व्यक्ति ना करे, इसलिए ना करे क्योंकि उनके नाम का बाजारीकरण करते हैं आप लोग। हम बाजारीकरण की बात नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल करते हैं आप लोग। ऐसे महान व्यक्ति का नाम
कोई भी राजनीतिक दल के लोग अगर अपने मंच से लेते हैं, चुनावी मंच से लेते हैं, तो उनसे ये सवाल सबसे पहले पूछना चाहिए कि आज भी इतने दिनों बाद, इतने वर्षों बाद, जिसके नाम से यह देश खड़ा है, जिसके नाम से इस देश की कानून व्यवस्था बनी है, जिसके नाम से न्यायालय की हर बात होती है, जिसके नाम की पूजा होती है, जिसके नाम की मूर्ति खड़ी की गई है, आज उसका समाज सूप और दौड़ी बीनता है और नाले के किनारे उनके घर बनाए जाते हैं, वो किसी तरह जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं, कभी देखा आप लोगों ने? यही बात तो मैं कहना चाह रहा हूं आपको कि मुझे यही इन चीजों को खत्म करना है। ठीक है, मैं भूमिहार एकता मंच का अगर संरक्षक हूं तो एक जाति विशेष से आता हूं उसका संरक्षक हूं, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं आपको, मुझे क्या यही खत्म करना है। उनके यहां गए आज तक, उनकी दशा देखने गए? सिर्फ ब्राह्मण और भूमिहारों के वोट से सत्ता में आएंगे और बिहार की तकदीर बदल देंगे? नहीं नहीं, देखिए अभी अगर उन्होंने पार्टी बनाई है तो अभी पार्टी बनाई है, जब तक वो भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के वो थे, अध्यक्ष थे, तब वो भूमिहार ब्राह्मण की बात करते थे। और ऐसे लोगों के साथ आप चले जाते हैं रैली में संबोधन करने के लिए? नहीं, मैं भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के रैली में गया था, आप याद रखिए, मैं भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के रैली में गया था और मैं उस रैली में, उस रैली में आप बताइए आप गए थे, आप उस रैली के गवाह हैं, आप बताइए कि पंडित राजकुमार शुक्ल को भारत रत्न की मांग क्यों नहीं उठाई गई? ब्राह्मण ने जिन्होंने महात्मा गांधी को पश्चिम चंपारण में पहली बार लाने वाला वो पुरुष, वो महापुरुष जिसने देश में आजादी की लहर पैदा करवाई, गांधी जी को बिहार आने पर मजबूर कर दिया, उस पंडित शुक्ल की चर्चा उस मंच से क्यों नहीं हुई? देखिए अब कुछ गलतियां हो गई होगी उन लोगों से, इसका मतलब ये थोड़े कि हम भी उसमें गलतियां। अगर आप ब्राह्मण भूमिहार एकता मंच फाउंडेशन में गए थे जी, और ये वर्षों से मांग उठाई जा रही है ब्राह्मण समाज के द्वारा जी, तो फिर उनकी आवाज को आपने अपने मंच से क्यों नहीं उठाया? देखिए मैं आपको बताया कि मंच से आवाज उठाने की जो बात है, वहां उन लोगों ने जो बनाया था उस हिसाब से उनको उठाना चाहिए था, अगर वो नहीं उठा पाए इसका मतलब ऐसा नहीं कि उनसे, हम तो मान रहे कि गलती हुई होगी उनसे, लेकिन अभी भी मैं एक बात कहता हूं, इस बात पे अडिग हूं कि मुझे लोकतंत्र में ये जो चीजें होती है, खासकर हमारे बिहार में, कि जैसे चुनाव आता है हर आदमी हर व्यक्ति अपने जाति के पीछे भागता है, और मैं ये साबित करूंगा कि मैं जाति के पीछे नहीं भागने वाला व्यक्ति हूं, मैं हमेशा, मेरी कोशिश होती है, देखिए आप अगर देखेंगे हमारा पूरा इतिहास उठा के देखेंगे तो सबसे ज्यादा काम अगर मैंने किया है अपने पूरे जीवन काल में तो गरीब मुसलमानों के लिए काम किया है, गरीब दलितों के लिए काम किया है, गरीब पिछड़ों के लिए काम किया है। गुजरात में एक जगह है गांधीधाम, जहां कम से कम मैंने 300 से 400 पासवान के घरों को बसाया है कांडलापोर्ट से लड़ाई करके, मेरे दिल में, हाँ ये अगर मैं भूमिहार का बच्चा हूं तो भूमिहार हूं, इस समय कहां पीछे मुकुड़ूंगा, मैं जिस जाति से आता हूं उस जाति में हूं, लेकिन मेरी कोशिश हमेशा होती है कि आंख रोए किसी का भारत के किसी कोने में, मुझको तो बस मेरा दामन भींगा नजर आता है। बहुत बहुत धन्यवाद फूल सिंह जी आपका हमसे जुड़ने के लिए, और हम आप अभी हमारी बात फूल सिंह से हुई और जो बातें सामने आई हैं उसमें ये है कि राजनीति में वो इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि वो अपनी मिट्टी से जुड़ना चाहते हैं। तमाम तरीके की बात उन्होंने रखा, विकास के मुद्दे पर चर्चा करना चाहा, विकास की बात कर रहे हैं मटिहानी में, मटिहानी के किसानों को न्याय की देने की बात कर रहे हैं, मटिहानी के मजदूरों की बात कर रहे हैं। देखना ये होगा कि उनके वादे में, उनके बातों में कितना दम है। तो आप बने रहिए वीडियो न्यूज़ बिहार के साथ। नमस्कार।